configuration of hydrogen atom. So हमें पता है हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. So nucleus consists of number of neutrons plus number of protons, and number of protons in an atom is equal to number of electrons. तो जितने number of protons होंगे उतने ही number of electrons होंगे, और nucleus जो है ये sum है न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का. सो हम कह सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. किसी भी एटम के लिए यही फॉलो करता है हमेशा. सो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बट हम ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि आयंस भी फॉर्म होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर कर सकते हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो अगर हम बात करें इसमें हाइड्रोजन एटम की, सो हाइड्रोजन एटम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल में. यहाँ पे आप देख सकते हैं hydrogen atom is the first element in the periodic table. These are the periods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and these are the group number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So we have 7 periods and 18 groups. And group number 1 has the configuration NS1. They are the alkali metals which donate 1 electron. So if we take this atom as hydrogen atom, so we know hydrogen is the first element in the periodic table. Since it is the first element in the periodic table, so इसका atomic number जो होगा वो 1 होगा. Atomic number 1 है, so number of protons will be equal to 1. Number of protons is equal to number of electrons. So number of protons is 1 and number of electrons will be 1. So hydrogen has 1 electron, and its electronic configuration will be 1s1. Means there is a nucleus and there is only 1 electron in s orbital. So this will be the configuration of hydrogen atom. So 1s1 electron, जो first electron है वो हमारा n equals to 1 में गया, यानी कि first shell में. So n हमें बताता है उसका shell number. ये हमें actually बताता है इसकी energy. Energy क्या है? तो यहाँ पर है n equals to 1, और s orbital में है. तो according to above principle we know पहले 1s फिल होता है, फिर 2s, 2p, p, उसके बाद में 3s, then 3p, 3d and so on. तो सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1s1. Here 1 denotes the electron. ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है. ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल. एंड ये बताता है एनर्जी n. So thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.